यहाँ पर दोपहर की चाय का टाइम हो गया, अब चाय बना रहे हैं। चाय तैयार हो गई है, आप अपनी चाय ले लें। चाय तैयार हो गई है। चाय माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाते हैं जी। मेरे हाथ की सितारा को भी बहुत पसंद है चाय। भी चाय बहुत पसंद है, और इंशाल्लाह मैंने प्रोग्राम बनाया कि जब सितारा आ रही है तो चलेंगे दरिया के किनारे, वहाँ पे ताज़ी मछली पकड़ के ना डिश बना के सितारा को खिलाऊंगा। उसे मछली की ताज़ी डिश जाना बहुत पसंद है, और मुस्तफा को बहुत पसंद है डिश, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि देखें जल्दी वो आए तो घूमने चले उनके साथ। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, और अभी जो है माशाल्लाह मैंने जुहर की नमाज भी पढ़ ली है, और माशाल्लाह हमारे व्लॉग की यहाँ से शुरुआत भी हो गई है। दुआ कहाँ जा रही हो? अच्छा, दुआ की दवाई भी लेनी और बाल भी बनवाने हैं इसके आज। यहाँ पर माशाल्लाह घास इनको डाल दिया था अभी, और यहाँ पर ये भी अपना घास खा रहे हैं, और यहाँ पर ये भी खा रही है अपना घास, इन्होंने ख़त्म कर लिया। तो यहाँ पर बकरियाँ माशाल्लाह अपना चारा खा रही है। और यहाँ पर माशाल्लाह मैंने बना लिया राइस, और माशाल्लाह दुआ की दवाई भी ले ली है, और इंजेक्शन भी लग गया है इसे, और इसके आज कट भी हो गए हैं बाल। अभी हम जा रहे हैं, मेरी फूफो को पूछ रहे हैं उसकी तबीयत नहीं ठीक। देखें शाम को कितनी खूबसूरती होती है, और ढलता हुआ सूरज। आज यहाँ पर उतर गए हैं क्योंकि आगे जो है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रास्ता ख़राब था। चलो ईमान पकड़ूँ हाथ। माशाल्लाह पहुँच गए पप्पू के घर। देखें बोरी के ऊपर ना खाद वाली बोरी है, उसके ऊपर ये देखें पर्स बन रहा है, कढ़ाई करके ना ये बैग बन जाएगा। और यहाँ पे चार पाइयों के ऊपर जो है ना ये बिछा देते हैं जिससे गर्मी नहीं लगती। यहाँ पे ये रिवाज ही है। पप्पो के घर से होके अभी वापस घर जा रहे हैं, आते आते इतना लेट हो गए, रास्ते में आसान भी मिल गई। अब घर पहुँच गए हैं, और फूफो के घर से ये चावल जो है ना गिफ्ट मिले हैं। यहाँ बहुत मना किया कि नहीं, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती जो है ना चावल भी दे दिए कि खाना खा कर जाए। हमने कहा नहीं हम। और माशाल्लाह हम लोग जैसे ही फूफो के घर से आए, मेरी बेटी ने खाना बना लिया था, सालन जो है ना हमने लौकी का बनाया था, तो घर में मेहमान आ गए थे, बस उन्हें खाना देते फारिग ही नहीं हो उसके। इतनी ज़्यादा से बहुत और अभी जो है फिर से केन भर रहे हैं क्योंकि मवेशी जो है ना बहुत प्यासे हैं, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। दूसरी केन लेके जा रहे हैं मवेशी, उनको प्यास भी ज़्यादा लगी है, गर्मी भी ज़्यादा है आज। और माशाल्लाह अब ये पानी पी रहा है, और यहाँ पर पानी अभी और पड़ा है क्योंकि वो पी लेगा तो थोड़ा सा और डाल देंगे उसमें। अब माशाल्लाह नीलू पिएगी पानी, और इन दोनों ने पी लिए है, और इन दोनों ने भी पानी पी लिया है, बड़े बछड़े ने भी, और इसको घास भी डाल दिया है अभी। और दवा की ना ये दवाई दी है, ये जो एंटीबायोटिक है और ये सिरप है। जा रहे हैं खेतों में घास लेने के लिए, तो ये देखें गांवों के नज़ारे। सुबह सुबह यहाँ का व्यू चेक करें, माशाल्लाह चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। और आज इसमें देखेंगे कि घास है कि नहीं है। सामान यहाँ पे अब बांधेंगे झोली। माशाल्लाह मैंने तो अपना कर लिया है, ये कमान थी बड़ी बड़ी, अंदर जो बहुत बड़ी है, तो हाथों के ऊपर जो है ना इस तरह के चीर लगे हैं। ये वाला मेरे शोहर दूसरी साइड से घास लेकर आए हैं, और वहाँ से स्लिप भी हो गए थे ना, वज़न था ज़्यादा, दूसरी साइड से किया उस साइड से, और वहाँ पे स्लिप हो गए, ये नीचे गिर गया, और ऐसे लगता है जैसे नहा के आए हैं ना।
चलो उठाओ कपड़े दूसरे चले। मुझे जो वहाँ पे आम दिखा है पक्का, तो अभी मेरे शोहर जा रहे हैं तोड़ने के लिए, देखते हैं कि पक्का है या कच्चा। ये कह रहे हैं कि कच्चा है और मैं कह रही हूँ पक्का है। देखते हैं नीचे, पता नहीं गिरा है, और तो काफ़ी सारे गिर गए उसका पता नहीं। अभी उधर है, माशाल्लाह आम मुझे मिल गया पक्का। और अभी मेरे शोहर भी नीचे उतर रहे हैं। आ जाए भाई पक्का था, उसके साथ कितने सारे कच्चे भी तोड़ के ले आया था। माशाल्लाह देखे कैसे पक्का आम मिला है। चलिए आप खाएं पहले आम, जिसने खाना है दोस्तों सब फ्रेंड फैमिली को मेरी तरफ से एडवांस दावत, आम खाने हैं तो आ जाए मेरे पास। आम तैयार हो गए माशाल्लाह, देखे कैसे फ्रेश फ्रेश आम है। और इसके साथ ये इतने सारे, एक के साथ इतने सारे जो है ना फ्री मिले हमें। माशाल्लाह यहाँ से घास मुकम्मल हो गया है, अब चलेंगे दूसरी साइड पर, यहाँ से बकरियों का लेना, ये बड़े मवेशियों का है। यहाँ से फिसले हैं मेरे शोर कठड़ी वहाँ जा गिरी है, और मैं जा रही हूँ पैदल क्योंकि वहाँ से मुँह धोएंगे। ये इतना चलाएंगे कि अंदर से ठंडा पानी निकलेगा। चले अब बस कर दें, आ जाए देर हो रही है। ये वाला घास जो बकरियों के लिए लेना है, ये वो वाला जो बड़े मवेशियों का वो काट लेंगे। मैंने अपना बकरियों का घास जो है वो बना लिया है एकदम से साफ, और भी मेरे शोहर जो है ना बड़े मवेशियों का बना रहे हैं वहाँ पर। और अभी जो है ना मैंने व्लॉग देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ कि ना फातिमा को चोट लगी है या वो गिर गई है। चाहे जो भी हो, दुख में हम एक दूसरे के साथ ही होंगे, खुशी में बेशक ही ना हो, और हमारे जो भी हालात हैं वो अल्लाह बेहतर जानता है, उनका जो है अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हमने किसी को कभी भी कोई बददुआ नहीं दी, अल्लाह पाक करे वो अपने बच्चों के ऊपर मियाँ बीवी दोनों का साया सलामत रहे, हम दुआ करते हैं। और वो बच्चे हैं, क्योंकि जैसे उसको मैंने देखा चोट लगी है, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ था, कार एक्सीडेंट मेरी अम्मी और आंटी का, यानी फातिमा की अम्मी और मेरी अम्मी का, तो उस वक्त ये भी गाड़ी में थी, मेरे बहन भाई भी थे, ये भी सब थे उसमें। तो मुझे लगता है वही उसका बाजू है ना, उसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि उसका वही बाजू है जिसको पहले भी चोट लगी थी। तो अल्लाह पाक करे वो जल्दी से सियात याब हो जाएँ, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह पाक करे जल्दी से जल्दी वो अपने घर आ जाए, अपने बच्चों में जैसे वो पहले थी, अभी भी वैसे हंसती मुस्कराते हुए अपने बच्चों से आके मिले। और जिसको बुरा लगा है नहीं लगा वो मेरा रब जानता है, और मैंने कभी भी किसी को झूठ नहीं कहा, ये भी मैं साफ साफ अल्फाज में आज भी बयान कर रही, मैंने कभी किसी के ऊपर झूठ नहीं बोला और ना ही आज बोलूँगी। लेकिन उसे देख के मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, और अल्लाह पाक करे वो जल्दी से ठीक हो जाए, मेरी यही दुआ है। और हमारा रिश्ता जो है कज़न का, जैसे कमेंट में आया था आवाज़ मिलती है भाई, आवाज़ भी मिलती है, और हम लोग जो है ना एक साथ ही पले बड़े, एक जैसे ये घर पड़े हैं यहाँ पर ही हम लोग खेल कूद कर बड़े हुए हैं, लड़कर झगड़ कर, और सऊदी अरब भी साथ ही थे हम लोग लड़ झगड़ कर, जैसे बचपन गुजरता है आप सब समझते हैं वैसे ही हमारी ज़िंदगी गुजरी है, एक साथ ही पले बड़े हैं और रहे हैं साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी को तकलीफ़ हो तो वो बर्दाश्त भी नहीं होता, तो अल्लाह पाक करे वो जल्दी से सियात याब हो जाए, ये हमारे दुआएँ। बाकी जो जो भी समझता है, जिस तरह भी समझता है, सबकी अपनी ही चॉइस है, हमारी इस तरह की नहीं, ना ही हमारा दिल जो है ना इस तरह है। अल्लाह पाक बस सबको खुश रखे। मेरा घास अभी भी वहीं पे पड़ा है, अभी इकट्ठा करना है, क्योंकि मैंने व्लॉग देखा इसलिए थोड़ा सा वीडियो भी शूट कर लिया, अभी घास इकट्ठा करते हैं। आपका हो गया है? बनाना है ना अभी। चलो आराम से, पहले की तरह नहीं हो, आराम से ऊंचाई है ना यहाँ पर। अभी तक घास जो ना पूरा नहीं हो रहा, अंडा बोलते हैं पता नहीं क्या बोल लिया है, और मुझे भी कह रहे हैं इतना आप भी और बनाएं, तो अभी मैं वहाँ से जाऊँगी जहाँ पर धूप है, तो मैंने कहा छोड़ दे, कहते हैं नहीं बकरियाँ जो चारा बहुत ज़्यादा खाती है। मैं तो कहती हूँ आज बहुत है, छोड़ देते हैं, गर्मी ज़्यादा हो गई है। माशाल्लाह घास जैसे ही करके फारिग हो गए, तो
तो ये देखे पंछी ने यहाँ से छोटे छोटे यहाँ से कीड़े मकोड़े जो निकलते हैं अपने बच्चों के लिए, और हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है, कोयल भी आवाज़ दे रही है आपको। चुप हो गई है, आज मैंने आवाज़ दे रही है आपको। यहाँ पर बैठी हैं बहुत सारी, तो खास यहाँ पे छोड़ के कुछ देर हमने आराम किया, मैंने और मेरे शौहर ने, अभी जा रहे हैं घर, फिर किसी से बाइक मांगेंगे और रेड़ी साथ के जोड़ के आएंगे और घास लेके घर जाएंगे फिर दोपहर। और अभी हम आए हैं यहाँ पर नहाने, यहाँ से कल सब्जी लेकर गए थे, कोयल यहाँ पर आवाज़ दे रही है अभी भी। इससे नहाएंगे पानी लगता है बहुत ठंडा है ना, ओए होए होए। अच्छा जो पसीना वगैरह था मट्टी है ना नहाने से, यहाँ पर नहाने से निकल जाती है, तो मैं भी डेली यहाँ से ट्यूबवेल से नहा के घर जाते हैं, क्योंकि फौरन जाते ही बच्चे आके गोद में घुस जाते हैं तो एलर्जी वगैरह जो भी होता है कपड़ों से वो निकल जाता है, अच्छी तरह साफ हो जाते हैं कपड़े बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप सब? इसके साथ सब ठीक हो गया, मैं भी ठीक हूँ। तो बहुत गर्मी थी, खास बना के आए तो मैं भी यहाँ नहा रहा हूँ ताज़ा और ठंडे पानी से, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे तो। यहाँ पर ये इंजॉय कर रहे हैं और हम नहा के फ्रेश हो गए हैं और ये अभी भी नहा रहे हैं। मैं तो यहाँ पे आके बैठ गई हूँ चारपाई पे, यहाँ पे इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, और गांव में तो वैसे भी बहुत सुकून है, और बाग में कोयल की आवाज़ कितनी प्यारी लगती है। एक डॉगी वहाँ पर भी बैठा हुआ है, वो बंधा हुआ है। अच्छा जैसे ही मेरे शौहर को देखा ना डॉगी ने भौंकने लग गए ये देखिए ये कैसे कैसे खड़ा हो गया आपको काटने के लिए, माशाल्लाह। गई अभी छांव पे जा, और आप यहाँ पर रुकेंगे थोड़ी देर में, बहन की तबीयत नहीं ठीक वो पूछेंगे फिर। और ये मटके ये घास करके जैसे ही वापस आएंगे मटके का ही पानी पियेंगे, ठंडा हो रहा है, मैंने भी यहाँ से पी लिया गिलास। ये जो वबाई है ना उससे इनका जो है ना ये बैल ये पूरी तरह ही छली हुआ है, और यहाँ पर ये गाय भी है इस तरह की, तो इन्हें घर में अलहदा ही रोक के रखा है। पहुँच गए हैं घर, अभी जो है माशाल्लाह मेरे अबू भी घास करके आ गए और मेरी अम्मी भी। अबू पानी चाहिए? दुआ? अच्छा दुआ की ना, आज कुछ तबीयत माशाल्लाह पहले से बेहतर है। नहीं करो ईमान, नहीं करो नहीं करो। लस्सी का कंघा भी बना लिया है, सालन है, लौकी का, हरी मिर्चें मैंने अभी भूनी है, और मेरी बेटी ने तंदूर पर रोटी आज बनाई है, लस्सी भी है, और साथ में बैठ के बस इसकी वो कह रही है हमने नाश्ता कर लिया है, आज हमें भी लेट हो गया है। अभी हम जा रहे हैं सोने के लिए, और यहाँ पर दुआ क्या कर रही है दुआ? अच्छा इस रूम में ना सोलर वाला पंखा है, तो पूरा दिन बच्चे जब तक सूरज की रोशनी रहती है तो इस रूम में ही सोते हैं। तो अभी दुआ भी आ गई माशाल्लाह, दुआ की तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है। हमारा व्लॉग अच्छे तरह से देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।